कार्टून भी खिलौना जैसे ही और बोर्ड और वो खिलौना जैसे ही और मनुष्य वॉइस बोलते और हम लोग को सुनाई देता है। बाय ओके वेरी गुड बेटा। लाइबा बताओ, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। लाइबा म्यूट हो आप। कार्टून ऐसे चित्र होते हैं जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। लाइबा थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बहुत ध्यान से आपने सुना कि कार्टून है वो ऐसा चित्र होता है जिसे देखकर मन है वो खुश हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल बताएगी। अनम्यूट करो पायल। प्रश्न दो है, कार्टून की दुनिया कैसी होती है? दीदी कार्टून की दुनिया की अपनी दुनिया होती है, ठीक मनुष्य की दुनिया की तरह लुभावनी। वेरी गुड बेटा, गुड। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? शो मी योर थंब। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो बेटा, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। यस, जैसे पायल ने हमें बताया कार्टून की दुनिया मनुष्य की तरह लुभावनी होती है। गुड। अभी मुझे कौन बताएगा? प्रांजल, अनम्यूट करो प्रांजल। क्या दीदी? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, एक मिनट दो मुझे। कार्टून सबको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? इसलिए कि वो मजेदार होते हैं। वाओ वेरी गुड, गुड। रिया आप बता सकते हो कार्टून सबको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो बहुत कॉमेडी है उसमें। ओके, उसमें बहुत आपके साथ में हंसी मजाक किया जाता है, इसलिए आपको अच्छे लगते हैं। वेरी गुड। तो जैसे हमें यहाँ पर आपने बताया, बाकी बच्चे बेटा चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप, कार्टून है वो नीरस और उबाऊ जो विषय होता है उसको सरस और रोचक बना देते हैं, सबके मन को अच्छे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा? इससे पूछू, यस श्रेया अनम्यूट करो। कुछ गाना गा रही है क्या श्रेया? हाँ? गाना गा रहे थे क्या आप? नो। ओके, मैंने यहाँ पर प्रश्न चार पूछा आपसे, वाक्य बनाना है, सरस शब्द दिया है, इससे वाक्य बनाओ आप। दीदी फिर से बोलो। सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है सरस शब्द से। सरस शब्द से सेंटेंस बनाओ, वाक्य बनाओ। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो बेटा आप। यस आरुषि, गुड, आपने भी अच्छा लिखा है। श्रेया आवाज आ रही है आपको? अभी अनम्यूट करो श्रेया। सरस शब्द से वाक्य बनाना है, सरस शब्द से वाक्य बनाना आपको, बनाओ क्या वाक्य बनेगा? आवाज आती है क्या? नहीं आ रहा क्या? सेंटेंस बनाना आपको, सेंटेंस वाक्य नहीं बनाना आ रहा? मेरे माइक में नहीं है रुचिकर। सरस बनता है,
क्या बोला बेटा आपने, दोबारा अनम्यूट करके बोलोगे? खाना सरस होता है। खाना सरस होता है, ओके। इससे अलग कोई सेंटेंस बना सकता है? नेहा नेहा अनम्यूट करके बोलो। सरस और रोचक बन जाते हैं, इसलिए बच्चे कार्टून की किताब मिलते ही उस पर झपट पड़ते हैं। और नहीं जब नहीं तक नेहा 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 मैंने ना वाक्य बनाने के लिए दिया। जैसे मैंने कार्टून बोला, कार्टून शब्द से मुझे सेंटेंस बनाना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, मुझे कार्टून देखना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपको सरस शब्द से वाक्य बनाना है। यस अपूर्वा म्यूट करके बोलो। हाँ दीदी। सरस शब्द से वाक्य बना सकते हो आप? मुझे कार्टून बहुत पसंद है। हाँ तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्टून देखना मुझे सरस लगता है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम वाक्य। आया समझ में आपको हमें वाक्य कैसे बनाना है? ओके, नेक्स्ट है हंसते हंसते। भाग्यश्री हंसते हंसते से वाक्य बनाओ। हंसते हंसते कार्टून बहुत हंसते हंसते आ जाते हैं। ओके यस गणेश अनम्यूट करके बोलो। यस फैजल वेरी गुड, आपने सही वाक्य बनाया है। यस कार्टून को देखते दीदी आ सकते। ओके कार्टून को देखते देखते हम हंसते हंसते सो गए, ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। गुड, आगे है प्रश्न पांच में। कैसे पता चलता है कि बच्चे कार्टून पसंद करते हैं? कैसे पता चलेगा कि बच्चे कार्टून पसंद करते हैं? यस रिया अनम्यूट करके बोलो। रिया कैसे पता चलेगा कि कार्टून बच्चों को अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो बहुत बहुत बेटा मुझे ना क्लियर सुनाई नहीं दिया। कार्टून देखते हैं तो बहुत ज्यादा हंसते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि कार्टून बहुत पसंद है। ओके वेरी गुड बेटा, जैसे अभी यहाँ पर बताया कि कार्टून है वो देखते देखते आप हंसने लगते हो, इस फिर आप सबको पता चलता है कि कार्टून अच्छे होते हैं। ओके नेक्स्ट, इसी प्रश्न का उत्तर और कौन दे सकता है मुझे? यस प्रांजल अनम्यूट करके बोलो। क्या दीदी? कैसे पता चलेगा कि बच्चे कार्टून पसंद करते हैं? इसलिए क्योंकि वो मजेदार होते हैं। वो मजेदार होते हैं, वेरी गुड। और उनको देखते देखते आप क्या करते हो? खाना पीना सोना सब भूल जाते हो, तो इससे पता चलता है कि बच्चे कार्टून पसंद करते हैं देखना। अच्छा इसमें ये जो मैंने पंक्तियां दी, जो लाइनें दी हैं, इसमें कोई तीन क्रिया शब्द बताओ। क्रिया शब्द यहां से इन चार या पांच पंक्तियों में क्रिया शब्द क्या है? मैंने पढ़ाए थे ना आपको क्रिया शब्द। यस पायल बोलो। पिछली बार पायल से पूछा था ना, पलक अभी बोलो आप अनम्यूट करके।
क्रिया शब्द क्या है इसमें? क्रिया शब्द बताओ। क्रिया मतलब जो हम काम करते हैं, तो इसने क्या क्या काम किया है, क्या क्रिया शब्द है? खाना। हाँ, खाना, वेरी गुड। और खाना, खेलना, पढ़ना, पीना, रहना। खाना, पीना, खेलना, ये हमारे क्रिया शब्द हैं। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। अच्छा, जो मैंने ये खुशी शब्द है इसपे मैंने सर्कल किया है, सॉरी खुश, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? खुश में चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। खुश। जातिवाचक संज्ञा। अभी मैं आपको जोक सुनाती हूँ और आप खुश हो जाते हो, तो वो चीज आपको क्या हुई, फील हुई ना, तो वो कौन सी संज्ञा में आ जाता है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा में आ जाती है? वो भाववाचक संज्ञा में, क्योंकि खुश है वो हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, तो खुश जो शब्द है वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। वेरी गुड, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया सोना। सोना शब्द का उल्टे अर्थ वाला क्या हो जाएगा? सोना का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा मतलब अपोजिट। सोना, यस चैत्रा, अनम्यूट करके बोलो। सोना। नेहा ने लिखा उठना। जागना। अपूर्वा ने लिखा जागना। वेरी गुड अपूर्वा। उठना, जागना। मीरा ने जागना लिखा। नेहा ने जागना। फैजल रोना, ये गलत है फैजल, जागना। गुड, तो सोना का उल्टा अर्थ वाला शब्द हो जाएगा जागना। उठना तो बैठने का हो जाता है, बैठना, उठना, तो सोना आपने सही उत्तर दिया जागना। वेरी गुड। अभी मैं आपको ऐसे ही एक पहरा अपठित गद्यांश देती हूँ, उसको पढ़कर आपको उत्तर लिखने अपनी नोटबुक में। जल्दी नोटबुक निकालो। जल्दी नोटबुक निकालो। निकाल रहे दीदी। ये देखो, मैंने यहाँ पर ये गद्यांश दिया आपको, ये चार या पांच पंक्तियां हैं, इनको पढ़ना है आपको, और उसके बाद मैंने प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहले इनको पढ़ो ध्यान से। चेतना पढ़ रहे हो आप स्क्रीन से देखकर? चेतना पढ़ो बेटा स्क्रीन से देखकर, मैंने जो दिया है आपको उनको पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं नोटबुक में। यस, कोमल पढ़ रही है, संकेत पढ़ रहा है, वेरी गुड, स्मृति भी पढ़ रही है, श्रेया, प्रणव, मीरा भी पढ़ रही है, वेरी गुड।
दिया विनय गुड बेटा जिसका वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन कर सकते हो क्या एवरीवन ऑन योर वीडियो थैंक यू जतिन ओके सर्वेश वीडियो ऑन नहीं कर सकता कोई बात नहीं बेटा अगर आप कर सकते हो तो ऑन करो नेहा रीडिंग करके हो गया वेरी गुड अब प्रश्न एक दिया है उसका उत्तर लिखो विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द नुकसान का क्या उल्टा अर्थ हो जाएगा हानि या लाभ इनके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं नेहा कोमल अनम्यूट करो पूछना बेटा कुछ आपको दीदी मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला मैंने बोला जो ये चार पंक्तियां दी है ना मैंने ये छह लाइनें हैं इन छह लाइनों को पढ़ना है आपको और फिर इनसे मैंने प्रश्न पूछे आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जैसे पहले हमने कार्टून वाला पढ़ा ना वैसे ही मैंने फिर आपसे प्रश्न पूछे तो ऐसे ही आपको इनको पढ़ना है और फिर उत्तर लिखने हैं अभी आया समझ में कोमल यस दीदी वेरी गुड अभी लिखो फिर आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है यस थैंक यू बेटा यस अनामिका अनम्यूट करो यस दीदी नुकसान का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा हानि या लाभ हानि नुकसान का उल्टा उल्टा मतलब अपोजिट हानि दीदी हानि होगा या लाभ होगा लाभ यस इसका उत्तर क्या हो जाएगा लाभ बाकी बच्चे ना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं बलवान बलवान का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा बलवान यस राज अनम्यूट करके बोलो बलवान का उल्टे अर्थ वाला शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा शक्तिशाली या कमजोर बलवान अनम्यूट करो राज अभी करो अनम्यूट यस वेरी गुड फैजल ने सही उत्तर दिया पूर्वा ने भी सही उत्तर दिया है मुझे वेरी गुड बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो शक्तिशाली बलवान बलवान का क्या होगा उल्टा पूछा है सेम नहीं पूछा मैंने हानि दीदी कमजोर होगा कमजोर थैंक यू बेटा कमजोर गुड शेखर कैसा लड़का था शेखर कैसा लड़का था यस सेट बॉक्स में आप सही उत्तर दे रहे हो शेखर कैसा लड़का था आपने पंक्ति पढ़ी है ना अभी कभी भी क्लास एंड हो सकती है
आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजने हैं, ये मैं स्क्रीनशॉट करके भेजूंगी। शेखर अच्छा लड़का था, शेखर अच्छा लड़का, शेखर अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का था, शेखर अच्छा लड़का था। यस पिया, अनम्यूट करके बोलो।